वो मुख्यमंत्री प्रदेश का कोई समाधान नहीं निकालेगा। और ऐसे मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मेरी चिंता की, मेरी सुरक्षा की। पुरुषों को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, उन्हीं से ही सीख लेते हुए शिक्षा मंत्री, भाई मैं जनता के बीच रहने वालों में से हूँ, बयान दिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, इससे ज्यादा अशोभनीय, निंदनीय और शर्मनाक उसी नेता से सीख रहे हैं जिन नेता ने हमेशा से बंटवारे की राजनीति कर ही सत्ता हासिल की है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अविनाश। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने के बाद बिहार में कोहराम मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टी इसको लेकर तर्क वितर्क कर रहे हैं। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जब मीडिया से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार से सीख कर इस तरीके का बयान शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनकी बातों को सुने। मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार का और विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मेरी चिंता की, मेरी सुरक्षा की, उन्होंने चिंता की और जो ये सुरक्षा मुहैया कराई गई उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। चिराग जी, आपको भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ खतरा था क्योंकि आईबी की रिपोर्ट के बाद ये सुरक्षा मिली है? भाई मैं जनता के बीच रहने वालों में से हूँ, काम करने वालों में से हूँ, यकीनन निरंतरता में हम लोगों के दौरे कार्यक्रम बिहार के अलग अलग जिलों में, और ये बात किसी से छुपी नहीं, आप सब देख ही रहे हैं किस तरीके का एक जन सैलाब हम लोगों के कार्यक्रमों में, हम लोगों की यात्राओं में जिस तरीके से उत्साह के साथ लोग आते हैं, तो भीड़ भाड़ में जाना ये कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। अब ऐसे में कोई खतरा है नहीं है, आईबी ने अपनी कोई रिपोर्ट भेजी को लेकर क्या कहेंगे भाई? अभी मुझे इसके बारे में कोई रामचरितमानस को लेकर राजद और जदयू आपस में लड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पुनः दोहराता हूँ कि जो ये बयान दिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, इससे ज्यादा अशोभनीय, निंदनीय और शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश को एकजुट रखने का काम करें, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो छात्रों में एकता का भाव दें। ऐसे में अगर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ही बंटवारे की राजनीति करने लगे तो उस प्रदेश के हालात क्या होंगे? पर शिक्षा मंत्री भी उसी नेता से सीख रहे हैं जिन नेता ने हमेशा से बंटवारे की राजनीति कर ही सत्ता हासिल की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर आप देखें, निरंतरता में उन्होंने दलित महादलित करके, पिछड़ा अति पिछड़ा करके, कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी लव कभी कुछ, कभी कोरी कभी कुर्मी और कभी महिला और कभी पुरुष, पुरुषों को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, उन्हीं से ही सीख लेते हुए शिक्षा मंत्री जब इस तरीके का बयान देते हैं, मैं चुनौती देता हूं भैया, अगर हिम्मत है, भैया ये गीदर भक्ति आप किसको दे रहे हैं भाई? अगर आप में हिम्मत है तो आप बैन करके दिखाएं ना रामचरितमानस को, आप तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। अगर आप सही में मानते हैं कि ये इतना खराब ग्रंथ है तो आप इसको बैन करके दिखाइए, आपके से बोलने से नहीं कुछ होने वाला ना, हिम्मत है तो आप करके दिखाइए, पर आप में हिम्मत नहीं है, आप करेंगे नहीं। आप इस तरीके के बयान से बिहार में बंटवारे की राजनीति को साधने के लिए, और खास तौर पर जो ज्वलंत विषय है आज की तारीख में, चिंता होनी चाहिए थी सबको बक्सर की, क्या समाधान निकाला? समाधान यात्रा पे निकले ना मुख्यमंत्री जी, क्या समाधान निकाल दिया इन्होंने बक्सर का? क्या वहां का समझौता हो गया, समाधान हो गया वहां पे किसानों की मांगों को इन्होंने पूरा कर दिया? एक मुख्यमंत्री ऐसे जो कि समाधान निकालना तो दूर, समाधान को, समस्या को और बढ़ाने का काम करते हैं। वहां पर किसानों को जाकर देखिए, कल सुबह हम गए थे वहां पर, किसानों के हालात देखिए बक्सर में, आप उनकी समस्या को तो आप दूर नहीं कर पाए, उल्टा जाकर उनके ऊपर FIR कर करा कर, उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर करा कर आप लोगों ने किसानों की समस्या को और वहां पर बढ़ा दिया। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास तमाम समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान हो, लाठी, लाठी के अलावा कोई और समाधान तो है नहीं। छात्र सड़क पर निकलते हैं तो लाठी चलाते हैं, शिक्षक सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलाते हैं, अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो लाठी चलाते हैं, वो मुख्यमंत्री प्रदेश का कोई समाधान नहीं निकालेगा। और ऐसे ऐसे मंत्री जब बयान देते हैं, इसका क्या समाधान निकाला मुख्यमंत्री ने? क्या समाधान निकाला? क्यों नहीं तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया इस मंत्री को?
शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं हटाया अपने कैबिनेट से? तो इस तरीके के बयान भी देंगे और कैबिनेट में बने भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं संरक्षण, ऐसे ही लोगों का संरक्षण मिलता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। क्या लगता है एजेंडा के तहत जेडीयू और राजद लड़ रही है? क्योंकि भाई अब एजेंडा इनका इंटरनल मैटर है, उसके बारे में पीएफआई का एजेंडा पे चल रहे मार्केट बंधन सरकार ने कहा है कि जो भी है वो सही हो रहा है। जगदानंद सिंह ने समर्थन दिया है अपने मंत्री का, कहा कि जो गठबंधन का इंटरनल मैटर है, एक दूसरे के साथ ये लोग सहमत है नहीं सहमत है ये इनका आपसी विषय। उपेंद्र कुशवाहा है बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं मंत्री को, क्या? तो आपने सुना चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार से सीख कर इस तरीके का बयान शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, आखिर उन्हीं के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री हैं, क्यों नहीं उन्हें बर्खास्त किया जाता है? बाकी ये तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं अविनाश, 1 न्यूज 24 पटना।